गुड आफ्टरनून क्लास, वेलकम आप सभी का फिर से ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और आप मेरे साथ पढ़ रहे थे कौन सा चैप्टर? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट की हम एक क्लास पढ़ चुके हैं, और जहां पे सिंपल इंटरेस्ट हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था उसी कंसेप्ट से हम आज एक और क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था लास्ट में एंड में, वैसा ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। क्या सभी को याद है कि लास्ट क्लास में लास्ट क्वेश्चन का क्या कंसेप्ट था? हाँ जी, देखो इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो वही बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, और जो बच्चा प्रैक्टिस नहीं कर रहा होगा तो वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। एग्जाम में वही बच्चा नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा करता है जिसकी प्रैक्टिस क्या होती है, ज्यादा होती है। मैंने आपको कहा ना, सिर्फ वीडियो देखते रहने से काम नहीं बनता, वीडियो देखनी है साथ में सॉल्व भी करना है उसको। तो क्वेश्चन को पढ़ो और सॉल्व करना स्टार्ट कर दो बिना टाइम वेस्ट किए। अपने कॉपी पेन उठा लो और लिखना शुरू कर दो। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? 12,000 इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। 12,000 रुपए को 2 हिस्सों में बांटा गया है, सच दैट सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट फॉर 3 ईयर्स एट 12% पर एनम, 12% 3 साल के लिए, इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सेकंड पार्ट फॉर 4.5 ईयर्स एट द रेट 16% पर एनम। फाइंड द मनी इन्वेस्टेड एट 12%। तो लास्ट क्लास में जो मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया था वो क्या था कि अगर हमें इंटरेस्ट इक्वल दे रखा हो, अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट क्या दे रखा हो, इक्वल दे रखा हो, तो फिर हमारा प्रिंसिपल और रेट में कौन सा रिलेशन हो जाता है? इनवर्स रिलेशन हो जाता है, याद है? तो उसी बेस पे बनाना है। उस कंसेप्ट को यूज करोगे तो 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा आपका, और अगर उस कंसेप्ट को यूज नहीं करोगे फिर बनाते रहोगे, कैलकुलेशन करते रहोगे। चलिए अब तक तो आ जाना चाहिए था, सॉल्यूशन देखते हैं। देखो कंसेप्ट क्या था, मैंने आपको बताया क्वेश्चन में अगर दे रखा हूं कि दोनों केस में सिंपल इंटरेस्ट हमारा इक्वल है, कंसेप्ट ये था कि अगर सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है तो प्रिंसिपल और रेट में कौन सा रिलेशन हो जाता है? इनवर्स रिलेशन हो जाता है। अब यहां देखते हैं रेट, फर्स्ट वाले में रेट हमारे पास कितना बन रहा है, आपको दे रखे 3 साल के लिए 12%। अगर 1 साल में 12% है तो 3 साल में कितना होगा? 36%। हाँ जी, ये बात समझ में आ रही है? 12% पर एनम है ना 1 साल का, तो 3 साल का 12 3 कितना होगा? 36। और यहां पे आपको दे रखा है 16% पर एनम है, कितने इयर्स के लिए? 4.5 ईयर के लिए। 16 4 64 + 8 कितना हो जाएगा? 72। तो यहां रेट हो जाएगा 72%। तो कैंसिल कर देंगे तो रेशियो हमारे पास बन जाएगी 1:2। तो मुझे बताओ अगर रेट की रेशियो 1:2 है तो प्रिंसिपल की रेशियो क्या बनेगी? 2:1। तो अब हमें ये वाले की हमें पता है वैल्यू, टोटल 12,000 है तो 2 + 1 कितना हो गया? 3। तो 3 रेशियो की वैल्यू 12,000, 1 रेशियो कितना हो जाएगा? 4,000। हमें 12% वाला पार्ट निकालना है, मतलब ये वाला पार्ट निकालना है, तो 2 रेशियो, तो 2 रेशियो हमने फाइंड करना था, तो आंसर हो जाएगा 8,000। अगर कोई 4,000 आंसर दे रहा है तो वो गलत है, ध्यान से देखना कौन सा पार्ट पूछा गया है। हाँ जी बताइए, क्या ये समझ में आया? कुछ बच्चे तो अभी आए होंगे, अभी गुड आफ्टरनून कर रहे होंगे, उन्होंने तो क्वेश्चन अभी आके देखा ही होगा, उनको तो समझ में आएगा नहीं, फिर वो पूछते हैं कि नहीं सर समझ में नहीं आया, दोबारा बता दो। हाँ जी, तो उन्हीं बच्चों के लिए देखो मैं दोबारा से बता रहा हूँ, दोबारा समझा रहा हूँ आपको, तो देखो ध्यान से। क्वेश्चन में मैं दे रखा था 12,000 रुपए को डिवाइड किया गया 2 पार्ट में, कि ऑन द फर्स्ट पार्ट फॉर 3 ईयर्स एट 12% पर एनम इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकंड पार्ट फॉर 4.5 ईयर्स एट 16% पर एनम। तो यहां पे देखो 12% 3 साल के लिए, यहां मैं लिख भी देता हूं, यहां पे हमें फर्स्ट में क्या दे रखा था? 12% 3 साल के लिए, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 36% हो जाएगा। और वहां हमें दे रखा था 16% 4.5, तो 4.5 कितना होता है? 9/2, तो इसको आप कैंसिल करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 72%। मतलब फर्स्ट पार्ट से आपको 36% रेट मिल रहा है और सेकंड पार्ट से हमें 72% रेट मिल रहा है, तो रेट की रेशियो यहाँ पे क्या हो जाएगी? 1:2। इसको आप रेट भी बोल सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट भी बोल सकते हो, कि सिंपल इंटरेस्ट का परसेंट आपका कितना हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा।
प्रिंसिपल की रेशियो क्या हो जाएगी? 2:1। ये याद रखना है कि जब सिंपल टू इक्वल होता है, जब अगर दोनों केस में सिंपल टू इक्वल है तो प्रिंसिपल और रेट में कौन सा रिलेशन हो जाता है? इनवर्स। तो अगर रेट 1:2 है तो प्रिंसिपल 2:1 बनेगा। अब देखो यहाँ पे टोटल हमें गिवन है कितना है? 12,000। टोटल हमें 12,000 दे रखा है, रेशियो का टोटल कितना बनेगा? तो 2+1 कितना हो गया? 3। तो 3 रेशियो की वैल्यू 12,000, तो 1 रेशियो की वैल्यू 4,000। हमें 12% वाला पार्ट फाइंड करना था ना, तो ये निकालना है। तो 2 रेशियो कितना हो जाएगा? 8,000। हाँ जी, अब बताओ, अब समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ये बात आपने याद रखनी है, ये रिलेशन तभी एप्लीकेबल होता है जब सिंपल टेस्ट दोनों केस में क्या मिल रहा हो? इक्वल मिल रहा हो। तो रेट और प्रिंसिपल में कौन सा रिलेशन हो जाएगा? इनवर्स। क्लियर, यस और नो? चलिए अब क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर का एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। मतलब ये वाला टाइप का क्वेश्चन ना एग्जाम्स में कई बार आया हुआ है, ठीक है? तो ये सिंपल इंटरेस्ट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। तो इसको मैं आपको 2 मेथड से बताऊंगा, तो आप एक बार पढ़ के क्वेश्चन को ट्राई करके देख लो कि क्या आंसर बन रहा है। तब तक मैं क्वेश्चन आपके लिए रीड आउट कर देता हूँ। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? सम अमाउंट आउट ऑफ ₹7,000 वॉज लेंट एट 6% पर एनम। कुछ पार्ट 7,000 में से 6% पे दिया गया है एंड द रिमेनिंग एट 4% पर एनम, बाकी पार्ट 4% पे दिया गया है। इफ द टोटल सिंपल डेट फ्रॉम बोथ द फ्रैक्शंस इन 5 ईयर वाज ₹1,600। टोटल दोनों से मिलाकर जो हमें है ना वो 1,600 पे मिल रहा है, लेकिन कितने साल में? 5 साल में। देन फाइंड द सम लेंट एट 6% पर एनम। तो 6% पे कितना दिया गया है आपको वो फाइंड करना है। हाँ जी, तो बनाइए, क्या हमारी अप्रोच रहेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की? हाँ जी, आया कोई आंसर? चलिए देखते हैं, 2 मेथड हमने इसके लिए फॉलो करने हैं। दोनों मेथड्स को बहुत ध्यान से समझ लेना, दोनों मेथड्स काफी जगह पे काम आ जाते हैं, ठीक है? तो यहां देखो ध्यान से, ₹7,000 हैं, उसमें से कुछ पार्ट हमारा 4% पे गया है और कुछ पार्ट हमारा 6% पे गया है। तो 6% वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4% + 2%। बात समझ में आ रही है? ₹7,000 में से कुछ पार्ट हमारा 4% पे गया है और कुछ पार्ट हमारा 6% पे। तो 6% को मैंने ऐसे लिख लिया, 4% + 2%। अब देखो 4% तो क्या है ना, दोनों में कॉमन ही है, 4% तो दोनों के लिए कॉमन ही रहेगा ना, एक 2% इस साइड एक्स्ट्रा है। अब यहां देखो, पहले टोटल जो सिंपल टेस्ट हमें मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? ₹1,600। कितने साल में? 5 साल में। तो ₹1,600 अगर हमें 5 साल में मिलता है तो इसका मतलब एक साल में कितना मिलता है? 320। ₹1,600 अगर मुझे 5 साल में मिलता है तो एक साल का इंटरेस्ट कितना है? ₹320। ₹320 हमारा क्या है? 1 ईयर का इंटरेस्ट है। इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो, 7,000 का 4% करेंगे, 7,000 का 4% कितना होता है? 280। तो ₹320 हमारा एक साल का इंटरेस्ट है। अगर मैं 7,000 का 4%, ये भी लिख देता हूं मैं, 7,000 का 4% अगर हम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 280। तो इस 320 में से मैं ये 280 माइनस कर देता हूं, तो 320 में से 280 माइनस कर दे तो बचा कितना हमारे पास? 40। मतलब ये 4% भी मैंने ले लिया और ये 4% भी मैंने ले लिया। तो अब देखो हमारे पास परसेंटेज कितनी रह गई? 2%, और इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी रह गई? 40। तो मैं यहां पे ये कह दूं कि ये जो 2% है, इस 2% की वैल्यू कितनी है? 40 है। तो फिर 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20। तो 1% 20 है, हमें प्रिंसिपल निकालना होता है ना, प्रिंसिपल हमेशा कितना होता है? 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2000। और हमें ये 6% वाला पार्ट ही पूछा गया ना, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 2000। हाँ जी, बताइए, ये बात समझ में आई आपको?
अभी नहीं आई होगी, क्लियर नहीं हुआ होगा अभी पूरा। जो पहली बार मेथड ये वाला देख रहा होगा उसको नहीं समझ में आया होगा, जिसने अगर पहले देख रखा होगा तो उसको क्लियर हो गया होगा। तो इसलिए मैं आप सभी को दोबारा से समझा रहा हूं, तो आप ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन में हमने क्या किया है। ठीक है, नोट कर लिया है सभी ने एक बार ही? अगर नोट कर लिया है तो फिर मैं एक बार और समझाता हूँ कि लिखने पे ध्यान मत देना अब सुनने पे ध्यान देना। दोबारा से क्या समझा रहा हूँ, यहाँ देखो, टोटल मनी है 7,000। 7,000 में से कुछ पार्ट जा रहा है 4% पे और कुछ पार्ट जा रहा है 6% पे। तो 6% का मतलब क्या होता है? 4% + 2%। तो हम कहना ये चाहते हैं कि 4% तो दोनों में कॉमन ही होगा ना, मतलब पूरा 4% तो 7,000 पे लगना ही लगना है। ठीक है, वो तो दोनों में कॉमन वाला पार्ट है। अब हमें ये दे रखा था कि 1,600 रुपए इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन कितने साल में? 5 साल में। तो अगर 1,600 रुपए 5 साल में मिलता है तो 1 साल में कितना मिलेगा? 320। मतलब 7,000 रुपए के ऊपर आपको 1 साल में 320 रुपीज मिलते हैं। अब देखो, 320 रुपीज 1 साल में टोटल इंटरेस्ट है। अब मैंने 7,000 का 4% किया तो कितना आया? 280। तो ये 280 अगर मैं 320 में से माइनस कर दूंगा तो इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी बची? तो इंटरेस्ट की वैल्यू बची मेरे पास 40। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बचा हुआ था? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बचा हुआ था? 2%। तो 2% की वैल्यू कितनी हो गई? 40। तो 1% कितना हो जाएगा? 20। और 100% हमने निकाल लिया तो ये वाला पार्ट आ जाएगा कितना? 2000। तो अगर हमें ये निकालना होता, देखो 7000 में से ये वाला पार्ट आ गया 2000, अगर 4% वाला पूछा होता तो हम आंसर कितना दे देते? 5000। हाँ जी, समझ पाए इस बात को? 7,000 में से हमने ये निकाल लिया 2,000 है, तो अगर वो वाला पूछा गया होता तो आप आंसर देते 5,000। क्लियर है? हाँ जी, ये वाला मेथड समझ में आ गया। अब इसी के लिए कुछ बच्चे दूसरा मेथड भी फॉलो करते हैं, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूं अगर आपको ये क्लियर हो गया तो। दूसरा मेथड हमारा इसमें जो है वो लगता है एलिगेशन से। अब देखो, जिसको भी एलिगेशन नहीं पता है ना, एलिगेशन मिक्सचर जिस जो बच्चा नहीं जानता है वो इसी को फॉलो कर ले, या फिर एलिगेशन मिक्सचर मेथड को लिख लेना। जब आप कभी भी एलिगेशन मिक्सचर चैप्टर पढ़ोगे तो फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। चलिए फटाफट से मैं बताता हूँ। देखो, जिसको एलिगेशन मिक्सचर चैप्टर पता है वो ध्यान से समझ लेंगे, जिसको नहीं पता है वो भी ध्यान से समझेंगे। यहाँ देखो, ऐसा मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी सिखाया था एक बार थोड़ा सा। अब यहाँ देखो, 7,000 रुपीज हमारे पास टोटल है। एक बार मैं मान लेता हूँ कि 7,000 रुपए का 7,000 हमने लैंड कर दिया 6% पे, तो 7,000 का 6%, 7 6 42, तो 420 रुपए लिख देता हूँ यहाँ पे कि 7,000 का 6% कितना आ गया? 420। एक बार हम मान लेते हैं कि 7,000 पूरा लैंड कर दिया गया 4% पे, तो कितना आ जाएगा? 280। यहाँ लिख देते हैं इसको भी, 7,000 का 4%। हमने मान लिया एक बार पूरा 7,000 चला गया 6% पे, एक बार पूरा 7,000 चला गया 4% पे। अब देखो, लेकिन हम जानते हैं कि हमें दोनों मिलाकर दिया गया है, फ्रैक्शन तो मिलकर ही बने हैं ना। तो 1,600 रुपये 5 साल के लिए था, तो पहले आपने 1 साल का निकालना जरूरी है। 1 ईयर का कितना बनेगा? 320, क्योंकि ये भी 1 ईयर है, ये भी 1 ईयर है, तो यहाँ भी 1 ईयर आएगा। तो सेंटर में हमने यहाँ पे लिख देना कितना? 320। अब आप डिफरेंस लोगे यहाँ पे, तो यहां से डिफरेंस लिया 40 आया, यहां से डिफरेंस लिया 100 आया, तो रेशियो क्या बन गई? 2:5। तो 2:5 हमारे पास बन गई। इस रेशियो में ये पैसा क्या हो जाएगा? डिवाइड, मतलब 5 + 2 7। तो 7 रेशियो की वैल्यू 7,000, तो 1:1,000, तो 2 रेशियो हो जाएगा 2,000, और 5 रेशियो कितना हो जाएगा? 5,000। हाँ जी, समझ आया? दोनों में से आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो। दोबारा एक बार मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ पे, एक बार हमने यहाँ पे मान लिया कि पूरा का पूरा 7,000 6% पे दिया गया, पूरा 7,000 6% पे, तो कितना मिलेगा? 420। एक बार मान लिया 7,000 पूरा 4% पे दिया गया तो कितना मिलेगा? 280। लेकिन हम जानते हैं ना, दोनों को मिलाकर दिया गया है, कुछ पार्ट 6% पे गया है और कुछ पार्ट 4% पे गया है। तो दोनों से मिलाकर जो मुझे 1 साल में मिलता है वो कितना है? 320। तो सेंटर में कितना आएगा? 320। अब डिफरेंस कैसे लिया जाता है? इधर लेते हैं डायगनल में डिफरेंस। डायगनल में डिफरेंस लिया कितना आया? 40।
इधर डायगोनल में डिफरेंस लिया कितना आया 100, तो यहां पे क्वांटिटी की रेशियो बन जाती है, तो क्वांटिटी की रेशियो कितनी बन गई 2:5, तो इस रेशियो में जो हमारी मनी है ना वो क्या हो जाएगी डिवाइड, तो 2+5 हो गया 7, तो 7:7000, 1:1000, तो 2:2000 और 5:5000। हाँ जी बताइए क्लियर है। देखो एग्जाम में ज्यादा आता है इसलिए मैंने आपको दोनों मेथड समझा दिए है। अब जिसको अगर अभी भी बात क्लियर नहीं होगी ना तो वो मुझसे बाद में पूछ सकता है, बाद में पूछने के लिए वो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, कि अगर किसी को बाद में कोई भी डाउट रह जाता है तो इस नंबर पे कॉल करके वो पूछ ले, या फिर वीडियो को दोबारा देख लेना आपको समझ में आ जाएगा। और एक ऐसा क्वेश्चन मैं आपको और करवाने वाला हूँ, फिर आपको अपने आप ही सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल हमारा सिमिलर उसी टाइप का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है, और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। मैंने आपको बताया कि इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो बनाइए अब इसको, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को और ध्यान से बनाना कि क्या दे रखा है और क्या पूछा गया है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ, सम अमाउंट आउट ऑफ ₹15,600 वाज लेंट एट 7%, कुछ पार्ट 7% पे दिया गया है और कुछ पार्ट हमारा 9% पे दिया गया है। कह रहे टोटल सिंपल डेट दोनों से मिलाकर 3 साल में हमें मिलता है 3738, देन फाइंड द मनी, फाइंड द सम लेंट एट 7%, तो 7% वाले पार्ट पे कितना दिया गया। अब दोनों में से कोई भी मेथड आप लगा सकते हो, यहाँ पे भी मैं आपको दोनों ही मेथड करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो जो भी बच्चा दोनों में से जो भी फॉलो कर रहा है वो उसको फॉलो कर ले, बस क्वेश्चन बनाओ, मेथड कोई भी लगाओ, वो वाला मत लगाना। इसमें कुछ बच्चे ना वो वाला भी लगा रहे होते हैं, अगर पिछले क्वेश्चन के कई बच्चों ने लगाया होगा कि एक को एक्स मान लिया और दूसरा को 15,600 माइनस एक्स मान लिया, ये बिल्कुल बकवास है, यहाँ पे कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन हो जाती हैं, तो ये वाला मेथड हमने नहीं करना है। चलिए चलो देखते हैं, यहाँ पे पहले वही वाला मेथड देखो, 15,600 हमारे पास है, कुछ पार्ट हमारा 7% पे है और कुछ पार्ट हमारा 9%, तो 9% को हम कैसे लिखेंगे, 7%+2% लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे 3738 ये आपको मिल रहा है 3 साल में, तो 1 ईयर में कितना हो जाएगा, 3 1 3, फिर 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 6 आ जाएगा, तो ₹1,246 मुझे इंटरेस्ट मिलता है 1 साल का, 1 ईयर का इंटरेस्ट है ये, ठीक है। तो 1 ईयर का इंटरेस्ट 1,246 हो गया। अब देखो दोनों में कॉमन कितना है 7%, 15,600 का 7% आप निकाल लोगे, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन गया मेरे पास 1,092। हाँ जी इतनी बात समझ में आ रही है, 1 साल का इंटरेस्ट हो गया टोटल 1,246, दोनों में कॉमन 7% तो है ही है ना, तो 7% हमने निकाल लिया, आ गया हमारे पास 1,092। तो अब इसमें से इसको कर दो माइनस, 6 में से 2 गया 4, ये 5 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, तो 154 मेरे पास एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है। 154 क्या है, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है, और एक्स्ट्रा परसेंटेज में कितना है 2%, तो 2% की वैल्यू कितनी 154, तो 1% कितना 77, तो 100% निकालने कितना आ जाएगा 7700, और 7700 जैसे ही आएगा आपको ऑप्शन में दिखेगा 7700, लेकिन उसको मार्क मत कर देना क्योंकि वो आंसर नहीं है हमसे। देखो यहाँ पे ये जो आपने अभी पार्ट यहाँ से फाइंड किया ना, ये 9% वाला आपने पार्ट फाइंड किया है, लेकिन आपसे पूछा कौन सा गया है 7% वाला, तो 15,600 में से 7700 माइनस करोगे तो यहां बचेगा आंसर आपका 7900। 15,600 हमारा टोटल है ना, उसमें से आप ये 7700 माइनस करोगे तो दूसरे वाला फिर पार्ट आपका आएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा 7900। हाँ जी ये बात बताइए समझ में आई, और ये गलतियां कर रही होंगी बच्चों ने।
हाँ जी दोबारा देख लेते हैं देखो क्वेश्चन को। 15,600 हमारा टोटल है, उसमें से कुछ पार्ट हमारा 7% पे है, कुछ पार्ट 9% पे है। 9% को हमने लिखा 7% + 2%, 3738 हमारे पास 3 साल का, तो 1 साल कितना हो गया 1246। 7% हमारा कॉमन है, तो 15,600 का 7% निकाल लिया, दैट इज 1092। तो 1 साल के इंटरेस्ट में से ये वाला माइनस किया तो बचा कितना 154, और रेट कितना बचा हमारे पास 2% एक्स्ट्रा, तो 2% की वैल्यू 154, 1% हो गया 77। तो 100% जब आपने निकाला ना, तो जहां से आपने एक्स्ट्रा उठाया है वो वाला पार्ट आया ये, तो ये 9% वाला पार्ट आया 7700। हमें तो 7% वाला इस बार पूछा गया है, तो 15,600 में से ये माइनस करोगे तो जो बचा हुआ है वो हमारा आंसर है 7900। हाँ जी बताइए, अब क्लियर हुआ ये आपको? चलिए तो जो एलिगेशन वाला है वो भी कर लेते हैं। अब एलिगेशन वाले में ये तो कैलकुलेशन हमें चाहिए ही है, तो इसको रख लेते हैं यहाँ पे। चलो देखो, इधर लिखना है 7% वाला, इधर लिखना है 9% वाला, इसको इधर उधर भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार हम 15,600 ले रहे हैं पूरा का पूरा 7% पे, तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी 1092। 15,600 ले रहे हैं 7% तो वैल्यू मिलेगी 1092। एक बार 15,600 लेना है, पहले 7 पे लिया था, कितने पे लेना है 9% पे, तो यहां से आपको वैल्यू मिलेगी 1404। तो यहां से हमें वैल्यू मिली कितनी 1404। इतनी बात समझ में आ गई? एक बार टोटल लिया 7% पे और एक बार टोटल लिया 9% पे, तो 7% और 9% वाली वैल्यू लिख ली। अब दोनों से मिलाकर जो हमारा आ रहा है वो कितना है 1246। तो दोनों से मिलाकर जो हमें मिल रहा है वो कितना है 1246 है। तो यहां से डिफरेंस ले लो इसका, ये डिफरेंस हो गया हमारे पास 158। यहां से डिफरेंस ले लो तो ये डिफरेंस हमारे पास कितना हो गया 154। तो कैंसिल कर देंगे तो रेशियो क्या आ जाएगी 79:77। रेशियो हमारे पास क्या बन जाएगी 79:77। इस रेशियो के अंदर जो हमारी मनी है ना वो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो अब देखो यहाँ पे, इसमें देखो 79 + 77 ये टोटल मिलाकर 156 ही हो जाएगा, तो सिंपल बन जाएगा 156 रेशियो की वैल्यू 15,600, तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा 100। तो 79 रेशियो वाला पार्ट हमने निकालना है ना, तो 79 रेशियो कितना हो जाएगा 7900, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ जी बताइए, समझ आया आपको ये? क्लियर है ना? देखो एक बार 15,600 के ऊपर 7% लिया गया 1092, एक बार 15,600 के ऊपर 9% लिया गया 1404। दोनों से मिलाकर जो हमें मिल रहा है वो कितना है 1246 है, तो वो आ गया सेंटर में। यहां से डिफरेंस लिया 158, यहां से डिफरेंस लिया 154, तो रेशियो क्या बन गई 79:77। तो इस रेशियो में जो हमारा पैसा है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड। इसको एडिशन करने पे ये हमें पूरा 156 ही दे रहा है, तो 156 रेशियो क्या 15,600, तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा 100, तो 79 रेशियो कितना हो जाएगा 7900। हाँ जी क्लियर हुआ पॉइंट सभी को? ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना? इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन मिलने हैं आपको, तो अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी चलिए, अब इस क्वेश्चन को बनाइए, पढ़िए क्वेश्चन को पहले ध्यान से और फिर उसके बाद बनाइए। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है? तो क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से और फिर बनाओ। देखो सिंपल इंटरेस्ट में क्या है ना कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मतलब कि अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलते ही रहेंगे, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट्स, बस आपको ध्यान रखना है जो बेसिक कंसेप्ट है ना उसके ऊपर आपने फोकस रखना है, कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल क्या होता है, सेम होता है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमेशा किसके ऊपर निकलता है, प्रिंसिपल के ऊपर। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अप्लाई भी है ना वो भी सिर्फ किसके ऊपर अप्लाई होता है, प्रिंसिपल के ऊपर। ये दो तीन बातें बस आपने दिमाग में रखनी है और उसी को ही देख के समझ के आपने क्वेश्चन बनाना होता है। सिंपल इंटरेस्ट में बाकी कुछ नहीं है क्योंकि चैप्टर तो सिंपल ही है,
कंपाउंड तो हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं, वहां पे अलग अलग टाइप्स अलग अलग ट्रिक्स होती थी। यहाँ पे तो बस आपने क्वेश्चन को पढ़ के समझना है कि क्या पूछा गया है। तो बना दो, देखो कह रहा है कि 3200 बिकम्स रुपीज 5312 एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 6 ईयर। किसी रेट पे 6 साल में इतना हो जाता है। वो कह रहा है द रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 7.5% मोर। रेट ऑफ इंटरेस्ट को 7.5% और बढ़ा दिया जाए तो बताओ हमारा नया अमाउंट कितना होगा। हाँ जी, तो कौन बच्चा इस क्वेश्चन को बनाएगा और किस अप्रोच से बनाएगा, तो मेन बात वो है कि कैसे हमने क्वेश्चन को बनाना है। चलिए यहां देखते हैं, 3200 जो है ना वो हमारा कितना हो जाता है, 5312 हो जाता है। कितने साल में आपको बता रखा है, 6 साल में। ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं कि सबसे पहले वो यहां से ना रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने लग जाते हैं कि यहां से वो निकालते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बनेगा। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 7.5% मोर, रेट को 7.5% और बढ़ाने की बात कर रहा है। अब देखो मैंने आपको ये लाइन बताई थी अभी थोड़ी देर पहले ही कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा किसके ऊपर अप्लाई होता है, प्रिंसिपल के ऊपर। तो अब देखो पहले ये जितने मर्जी रेट से बढ़ाओ उससे तो मुझे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। 3200 हमारा 5312 हो गया कितने साल में, 6 साल में। चाहे ये किसी भी रेट से होके बना हो उससे हमें कोई फर्क पड़ता नहीं। चाहे इसके ऊपर 10% लगाओ, चाहे इसके ऊपर 5% लगाओ, चाहे 8% लगाओ। अब उसने क्या 7.5% और बढ़ाना है तो वो तो बेस वैल्यू पे ही बढ़ेगा ना, प्रिंसिपल पे ही। रेट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ किसके ऊपर अप्लाई होता है, प्रिंसिपल के ऊपर। तो यहाँ पे जो 3200 के ऊपर हमने 7.5% निकाल लेना है तो ये हम बना लेंगे। देखो दो जीरो कैंसिल हो गए, इसका पॉइंट हटाओगे एक 10 आपको और मिलेगा नीचे, 5 2 10 15 और यहाँ पे 16, 16 × 15 कितना हो जाएगा, 240। तो ₹240 एक साल में बढ़ने हैं। अगर मैं 7.5% और रेट बढ़ाता हूं तो 3200 के ऊपर ₹240 एक साल के। लेकिन हमारे पास कितने साल के लिए हैं, 6 साल के लिए, 6 ईयर के लिए। तो 240 × 6 तो ये मुझे मिलेगा 1440। तो ₹1440 और इंक्रीज होने हैं तो आप सिर्फ वो वाला पार्ट इसके अंदर क्या कर दो, ऐड कर दो, तो आंसर हमारा हो जाएगा 6752। हाँ जी बताइए, ये बात आपको समझ में आई। नहीं आई होगी, एक बारी में कहाँ समझ में आता है, एक बारी में तो हम ध्यान देते ही नहीं है। जब सेकंड टाइम समझाने जाते हो तब उसके बाद हम सुनते हैं ध्यान से, ऐसा ही है ना। फर्स्ट टाइम में तो इधर उधर चाय पानी पे ध्यान रहता है, सेकंड टाइम में मेन बात सुनने जाते हैं कि अब सर दोबारा समझाएंगे ना तब सुनेंगे ध्यान से। तो चलो सुन लो, कोई बात नहीं ध्यान से। यहाँ देखो क्वेश्चन में आपको ये दे रखा था कि 3200 जो है ना वो 5312 बन चुके हैं 6 साल में। 3200 5312 हो चुके हैं कितने साल में, 6 साल में। अब मैंने आपको बताया चाहे यहाँ पे कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाओ, चाहे 5% से बने हो, चाहे 6% से, 7 से, 10% से बने हो, ये तो बन चुका है ना, ये काम हो चुका है, उससे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, ये वर्क हो गया। अब आप ये देखो सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ना कितना है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कितना होना है, 7.5%। क्योंकि जो भी रेट अप्लाई होगा वो सिर्फ प्रिंसिपल के ऊपर ही अप्लाई होगा। तो 3200 के ऊपर ही तो 7.5% बढ़ना है, तो 3200 का 7.5% निकाल लिया तो आ गया ₹240। ये आया 1 ईयर का, ₹240 आया 1 ईयर का। तो 6 ईयर में कितना मिलेगा, 1440। तो ₹1440 होगा 6 साल का। तो इसको सिर्फ इससे जो बढ़ाने वाला पार्ट है ना अमाउंट के अंदर ऐड कर दो, तो 5312 के अंदर 1440 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 6752। हाँ जी क्लियर हुआ सभी को, यस और नो? अरे बता दो क्लियर हो गया, यस और नो, समझ आया कि हमें यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले फाइंड करने की जरूरत नहीं है। क्लियर सभी को? एक थोड़ा सा वैल्यूज में आसान क्वेश्चन लेके मैं आपको ये समझा देता हूं दोबारा से, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी के ऊपर। हाँ जी चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को। अब जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं और देख रहे हैं इस वीडियो को, तो
उन सभी का ये क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए और सभी कमेंट में मेंशन करेंगे क्या आंसर आ रहा है। कोई भी एक भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जिसका आंसर ना आए। तो जिसका भी आंसर निकल रहा है वो कमेंट में डालेगा जरूर कि क्या आंसर आया है। 800 रुपीज हमारे 920 बन जाते हैं एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 3 ईयर, 3 साल में। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 3% मोर, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को 3% और बढ़ा दिया जाए तो हमारा नया अमाउंट क्या होगा वो आपको बताना है। हाँ जी, तो बनाइए इस क्वेश्चन को। और बस अब इतना तो टाइम है, इसमें 15 सेकंड का ही क्वेश्चन है, 15 भी मैंने ज्यादा बोल दिया, 10 सेकंड के अंदर ही आंसर आ जाना चाहिए। हाँ जी, कोई अभी स्टार्टिंग में ज्यादा भी टाइम ले लेता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये नहीं सोचना कि एक बच्चे ने 10 सेकंड में निकाल दिया, दूसरे ने 20 सेकंड में, मेरे को 30 सेकंड लग गए। हो सकता है किसी बच्चे ने ये क्वेश्चन पहले से बना रखा हो, किसी को ये कंसेप्ट पहले से आते हो तो वो जल्दी बना लेगा, और जो बिल्कुल नया बच्चा होगा, फ्रेश बच्चा होगा, उसको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। तो किसी ने भी एक दूसरे से कंपैरिजन नहीं करना होता कि उसने पहले निकाल दिया उसने बाद में निकाल दिया, ठीक है। जो बच्चे पहले आंसर देते हैं ना उन बच्चों ने ये क्लासेस लगा रखी होती हैं। तो जो नए बच्चे होते हैं उन्होंने घबराना नहीं है कि दूसरे बच्चे जल्दी आंसर दे रहे हैं, वो इसलिए आंसर दे रहे हैं क्योंकि वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलिए अब देखिए, यहाँ पे इसी का मैं आपको बेसिक कंसेप्ट भी आपको समझा दूंगा अगर किसी को दिक्कत है तो यहाँ देखो, 800 रुपीज हमारे 920 रुपीज हो गए कितने साल में, 3 साल में, ठीक है। अब वो कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को 3% इंक्रीज करना है। मैंने बताया देखो, पहले जो मर्जी रेट बनाओ उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट को 3% बढ़ाना है तो वो 3% 800 के ऊपर ही तो इंक्रीज होगा। तो 800 का 3% कितना होता है, 24, तो 24 हो गया 1 साल का, तो 3 साल का हो जाएगा 72, तो 72 सिर्फ ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा 992। तो यही काम हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था जो मैंने आपको पूरा लिख के समझाया था, वहां थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा थी, यहां हमारी कैलकुलेशन क्या है कम है, लेकिन कंसेप्ट वही है। देखो 800 हमारे 920 बन चुके हैं कितने साल में, 3 साल में। अब वो कह रहा है कि 3% और इंक्रीज करना है, तो 3% जो इंक्रीज होना है वो तो 800 के ऊपर ही होना है ना, तो 800 का 3% निकाल दोगे तो 24 रुपीज आ गया। तो ये जो 24 रुपीज आया ये 1 साल का आया है, हमें 3 साल का बताना है, तो 3 साल में कितना एक्स्ट्रा और हो जाएगा, 72 रुपीज एक्स्ट्रा और हो जाएंगे, तो 920 में 72 ऐड कर देंगे तो 992। क्लियर हुआ? इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, देखो कि 800 रुपीज हमारे 920 हो गए, तो आप देखोगे कि आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, 120, तो 120 इंटरेस्ट मिला कितने साल में, 3 साल में, तो इसका मतलब 1 साल में कितना मिलता है, 40, तो 120 मिला 3 साल में, तो 1 साल में कितना मिला, 40, 1 साल का इंटरेस्ट आ गया। तो अब हम यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं कि 40 रुपीज इंटरेस्ट मिला 800 के ऊपर into 100, तो यहां से हमारे पास ये रेट आ जाएगा कितना, 5%। तो पहला जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था ना वो कितना था, 5% था, अब उसने कहा 3% और इंक्रीज करना है, तो 5% में 3% और इंक्रीज कर देंगे तो नया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बनेगा, 8%। तो अब हम 800 के ऊपर 8% लगाते हैं, तो 800 का 8%, 8 8 64, 64 आया 1 साल का, तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 192, तो 800 में 192 ऐड करेंगे तो आंसर बनेगा 992। तो अगर कोई बच्चा बेसिक से फॉलो कर रहा होगा तो वो इसको बना रहा होगा। हाँ जी, बात समझ में आ गई? तो अगर ये किसी को नहीं भी समझ में आया होगा ना तो वीडियो को दोबारा देख लेना, इसको मैं दोबारा नहीं रिपीट करूंगा, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, ये आपने दोबारा से वीडियो को चला के देख लेनी है, वैसे भी एग्जाम में उसको फॉलो नहीं करना, एग्जाम में हमें इसको फॉलो करना, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिंपल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में पूछा गया है और इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब यहाँ पे बच्चे कहना है कि बच्चे सॉल्व करने में यहाँ पे गलती करते हैं, बनाओ जरा क्या आंसर आएगा। वो कंसेप्ट में जो उनकी अप्रोच रहती है बच्चों की वो गलत रहती है, तो वो हम यहाँ पे सीखेंगे कैसे आपने सही अप्रोच फॉलो करनी है। चलिए क्वेश्चन में लिखा है, द अमाउंट ऑफ ₹360 इन 3 ईयर ₹511.20, मतलब 360 रुपए 511.20 हो गए,
देन व्हाट विल द अमाउंट रुपीज 705 ईयर? तो 705 ईयर्स में कितने हो जाएंगे तो वो मुझे बताना है। अगर हमारे 360 रुपीज 3 साल में 511.20 होते हैं तो 705 ईयर्स में कितने हो जाएंगे तो वो बताना है। और जो गलतियां बच्चे करते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। अभी बनाइए तब तक, और ज्यादा देर का क्वेश्चन नहीं है, 30 सेकंड्स के अंदर अंदर आंसर आ जाना चाहिए है। हाँ जी, चलो देखते हैं। यहाँ पे देखो 360 रुपीज हमारे कितने हो जाते हैं, 511.20, कितने साल में हुए, 3 साल में। तो इसका मतलब हमें जो इंटरेस्ट मिला ये मिला 151.20 3 साल में, तो 1 साल में कितना मिलेगा, 50.4। 3 साल में मिला 151.20, तो 1 साल में कितना हुआ, 50.4। अब जो बच्चे गलती करते हैं वो क्या करते हैं, 50.4 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं और जितना भी आया वो 700 में ऐड कर देते हैं। बच्चे क्या करेंगे, 50.4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 700 में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। या फिर वो क्या करते हैं कि पहले यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने लग जाते हैं, कि पहले यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे और फिर उसको उसके अंदर अप्लाई करेंगे। लेकिन अब देखो डायरेक्टली आप कैसे कर सकते हो कि 50.4 आपको 1 साल का इंटरेस्ट मिला किसके ऊपर, 360 के ऊपर। तो 360 रुपीज के ऊपर 1 साल में कितना मिलता है, 50.4। तो फिर 700 रुपीज के ऊपर कितना मिलेगा, तो 50.4 डिवाइड में 360 इंटू में 700, ठीक है। तो देखो इसका पॉइंट हटा देते हैं, नीचे लगा दो 10, 1 0 1 0, 2 0 हमारे पास कैंसिल हो गई, 18 के टेबल से काट दो, 18 2 36, 18 2 36 और 18 8 और 2 से जाएगा 14, 14 7 कितना होता है, 98। तो हमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना 700 रुपए के ऊपर 1 साल में, वो कितना मिल रहा है, 98। 98 है 1 ईयर का इंटरेस्ट, लेकिन हमें तो 5 ईयर्स का बताना है ना, तो into 5 तो 5 साल में कितना मिलेगा, 490। तो 700 रुपए प्रिंसिपल और 490 हमने उसमें ऐड करना है, तो आंसर हो जाएगा 1190। हाँ जी बताइए, बात समझ में आई। सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में ना स्टेटमेंट आपको पढ़ के समझ में आ जाए कि बस क्या दे रखा है, क्या फाइंड करना है, उसके हिसाब से आपने करना होता है। और सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर ना कहने को सिंपल है लेकिन बच्चों को लगता ये डिफिकल्ट है, मुश्किल लगता है उनको, क्योंकि यहाँ पे ना हर क्वेश्चन में अलग तरीके से हमें सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो फिर हमें लगता था कंपाउंड ज्यादा आसान था, सिंपल इंटरेस्ट तो मुश्किल हो गया है, लेकिन ऐसा है नहीं है। अगर आप थोड़ा सा सोचने लगोगे ना सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चंस में तो आपका ये आसानी रहेगा। देखो बातें तो वही फॉलो हो रही है ना कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल क्या होता है, सेम होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा किसके ऊपर अप्लाई होता है, प्रिंसिपल के ऊपर। चलो यहां देखते हैं दोबारा से क्वेश्चन में क्या था। अब वो कह रहे हैं 360 रुपीज 511.20 हो गए कितने साल में, 3 साल में। तो हमने निकाले तो ये 3 साल का इंटरेस्ट है, तो 1 साल में कितना हुआ, 50.4। तो सिंपल सी बात कि 360 रुपीज पे अगर 1 साल में 50.4 मिलता है तो हम 700 पे पहले निकाल लेंगे ना कितना मिलेगा। आप सीधा 50.4 को 5 से थोड़ा ना मल्टीप्लाई कर दोगे, 360 पे अगर 50.4 बनता है तो 700 पे कितना बनेगा, तो मैंने निकाल लिया 98 रुपीज बनता है 1 साल का। तो 5 साल का कितना बनेगा, तो 98 into 5 490, तो 490 हो गया हमारा 5 ईयर्स का। तो 700 प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट ऐड करोगे तो आपका क्या बनेगा, अमाउंट, तो अमाउंट कितना हो गया, 1190। हाँ जी बता दीजिए, क्लियर है, येस और नो? सिंपल इंटरेस्ट की बातें समझ में आ रही हैं? अगर बातें समझ में आ रही हैं तो पहले 15 सेकंड लेके एक बार वीडियो को लाइक भी कर दो, बीच बीच में लाइक करते रहा करो, हमें पता लगता रहे कि हाँ वीडियो लाइक हो रही है, ठीक है। तो फिर हमारी मोटिवेशन बढ़ती रहेगी आपको पढ़ाने की, नए नए क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा, नए कंसेप्ट लेके आता रहूंगा, आपको पढ़ाता रहूंगा। लेकिन अगर आप लाइक नहीं करोगे तो फिर हम कैसे पढ़ाएंगे, तो इसलिए लाइक करते रहा करो।
चलो अब चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी चलिए अब बनाइए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन को देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ए एंड बी इज ₹36 ऑन ₹24 फॉर 4 ईयर्स। मतलब ए के ऊपर ए ने कोई डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया होगा और बी ने कोई अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया होगा, तो दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है ना वो कितना आ रहा है, ₹36। प्रिंसिपल हमें दे रखा है ₹2400, टाइम है हमारे पास 4 साल। हमें बताना है व्हाट इज द डिफरेंस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो ए और बी ने रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाए हैं उसमें डिफरेंस कितना है वो बताना है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिंपल है, जब हमें कंसेप्ट पता हो कैसे करना है। अगर नहीं पता होगा तो फिर बनाते रहोगे, कैलकुलेशन ज्यादा जाएंगे, लेकिन जैसे ही हम सीख जाएंगे तो कैलकुलेशन अपने आप कम हो जाएंगे। तो चलो बनाओ पहले फिर, कि हमें पता तो लगे कि आप अप्रोच जो फॉलो कर रहे हो वो क्या फॉलो कर रहे हो, कैसे फॉलो कर रहे हो। सिंपल इंटरेस्ट में बस आपने यही देखना होता है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी अप्रोच क्या रहेगी। अगर अप्रोच सही जाएगी तो सिंपल क्वेश्चन हमेशा जल्दी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर हमने अप्रोच गलत लगाई तो क्वेश्चन टाइम लेगा आपका ज्यादा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, बस इतनी देर का ही क्वेश्चन था ये। द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ए एंड बी ₹36। देखो ए और बी के इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना आ रहा है, ₹36। कितने साल में, 4 साल में। अगर 4 साल में ₹36 का डिफरेंस है तो 1 साल में कितने रुपए का डिफरेंस होगा, ₹9 का। 1 साल में डिफरेंस कितने का होगा, ₹9 का। और दोनों के लिए जो प्रिंसिपल है वो कितना है, वो तो सेम ही ना, ₹2400। तो ₹9 का डिफरेंस आ रहा है किसके ऊपर आ रहा है, ₹2400 के ऊपर ₹100। तो यहां से कैंसिल किया, 3 3 9, 3 8 24, तो 3/0.375%। तो यही तो हमारा रेट का डिफरेंस बनेगा, तो आंसर आ गया हमारा 0.375%। हाँ जी बात समझ में आई। हमें अलग अलग ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है कि 2400 × R1, 2400 × R2, तो वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। यहां देखो समझो, ए और बी को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था उसकी वजह से डिफरेंस कितने का क्रिएट हो रहा था, 36 का। ए और बी को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था उसकी वजह से ₹36 का डिफरेंस क्रिएट हो रहा था। कितने साल में, 4 साल में। तो 1 साल में कितने का डिफरेंस क्रिएट होगा, ₹9 का होगा, तो 2400 के ऊपर ही ना, याद वही रखना है, सब कुछ प्रिंसिपल के ऊपर ही कैलकुलेट होता है। तो 9 जो है वो 2400 का कितना परसेंट है, तो ये वैल्यू बनेगी 0.375%। मतलब दोनों के रेट में जो फर्क है ना वो कितने का है, 0.375% का। हाँ जी बताओ क्लियर हुआ, ऐसे ही सॉल्व किया था कि पूरा मेथड बनाया था। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, समझा करो, क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। और ये मत सोचना एक दिन में पूरा चैप्टर आ जाता है, हमें बार 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 प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके हमें ये चीजें क्लियर होती हैं। इसी क्वेश्चन को जब आप 2 3 बार कर लोगे ना तो आपको याद हो जाएगा कि हाँ अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हमें इसको ऐसे सॉल्व करना पड़ता है। चलिए क्लियर हो गया, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंपल इंटरेस्ट एज कंपेयर टू कंपाउंड ना, थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ एक तो दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ रहा है, क्वेश्चन तो छोटे ही होते हैं लेकिन दिमाग एक्स्ट्रा यूज करना पड़ता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, चलते हैं आगे भी। हाँ जी तो मेरे भोले भाले प्यारे बच्चों, मेरे नीले पीले लाल बच्चों, तो अब इस क्वेश्चन को बनाओ जरा, ठीक है। थोड़ा सा बोकाल क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए, कि इंटरेस्ट बनेगा आपका। बोकाल क्वेश्चन बीच बीच में आते रहना चाहिए। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को, कौन बनाएगा। ए जो है ₹800 उधार लेता है 12% रेट पे, बी जो है ₹910 उधार लेता है 10% रेट पे। इन हाउ मेनी ईयर विल देयर अमाउंट ऑफ डेट बी इक्वल। अगर तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि क्या पूछा गया है तो बोकाल क्वेश्चन अपने आप इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर पढ़ के समझ में नहीं आया तो फिर तो ये ऐसे ही रहेगा। हाँ जी बनाइए, क्वेश्चन ज्यादा देर का नहीं है, 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा एक बार समझने के बाद। समझने के बाद 10 सेकंड में आएगा, पहले नहीं आएगा। बनाइए बनाइए,
पेन को छोड़ा मत करो, पेन को पकड़ के रखना है और चलाते रहो उसको, चलाते रहो, कुछ ना कुछ बनाते रहो। 800 रुपए दे रखा है, 12% निकाल लो, 910 रुपए दे रखा है, 10% निकाल लो, फिर देखो सोचो कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या बनाना है, कुछ ना कुछ करते रहा करो। चलिए देखते हैं, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से पहले क्वेश्चन को अपने पढ़ना है। 800 रुपीज के ऊपर रेट लग रहा है 12% का, बी ने बोरो किया 910 रुपए, किस रेट पे, 10% पे। अब पूछा क्या गया, उसी के ऊपर तो चीजें डिपेंड करेंगी। इन हाउ मेनी इयर्स, कितने साल में विल देयर अमाउंट ऑफ डेट बी इक्वल, अमाउंट ऑफ डेट बी इक्वल मतलब उनका जो टोटल है ना कितने साल बाद बराबर हो जाएगा। अभी देखो, अभी तो इसने 800 रुपीज उधार ले रखे हैं, ठीक है, किस रेट पे, 12% रेट पे। अब आप ये बताओ 800 का 12% लिख देता हूं मैं यहाँ पे, 800 का 12% मतलब एक साल में ये कितना इंटरेस्ट पे कर रहा है, 96 रुपीज। 800 रुपये उधार लिए ना, तो एक साल में ये कितना इंटरेस्ट पे करता है, 96 रुपीज। इसने 910 रुपये, 910 रुपीज बोरो किए हैं और किस रेट पे, 10% पे, तो ये एक साल में कितना पे करता है, 91 रुपीज। ये एक साल में 96 पे करता है, ये एक साल में कितना पे करता है, 91। दैट मींस ये जो है उससे कितना एक्स्ट्रा पे करता है, ये 5 रुपए उससे एक्स्ट्रा पे करता है, ठीक है, ये क्या करता है, उसे 5 रुपए एक्स्ट्रा पे करता है। और वो कह रहा है कि हमें इनका डेट इक्वल बनाना है, इनका अमाउंट इक्वल बनाना है। अब देखो यहाँ पे 800 है, यहाँ कितना है, 910, यहाँ पे गैप कितने का है, इसने 800 रुपए उधार लिए हैं, इसने 910 रुपए उधार लिए हैं, तो गैप कितना कवर करना है, 110 रुपीज का गैप कवर करना है ना, और एक साल में वो कितना गैप कवर करेगा, 5 रुपीज का, तो इसका मतलब कितने साल बाद लगेगा, इक्वल हो जाएंगे डेप्ट 22 ईयर्स के बाद। हाँ जी, बात समझ में आई, ये तो हमने पार्ट लिख दिया, नहीं तो लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, सीधा लिखते यहाँ पे 110 डिवाइड बाय आंसर आया था 22 ईयर्स, एक ही लाइन का आंसर था, समझे, नहीं समझोगे। यहां देखो, सबसे पहले देखो, ए ने बोरो किए, मैंने किसी से 800 रुपए उधार लिए, ठीक है, किस रेट पे लिए, 12%। That means मैं 800 पे 12% मैं 1 ईयर के अंदर कितना इंटरेस्ट पे करता हूँ, 96 रुपीज। बी ने बोरो किया 910, किस रेट पे, 10% पे। That means बी जो है एक साल में कितना पे करता है, 91 रुपीज। वो कह रहा है इन हाउ मेनी ईयर विल देयर अमाउंट ऑफ डेट बी इक्वल, कि उनका जो उधार है ना वो टोटल अमाउंट जो है वो इक्वल कब बनेगा। अब देखो इनके बीच में गैप कितने का है, इनके बीच में गैप है 110 रुपीज का, 110 रुपए का वो गैप कवर करना पड़ेगा ना, और ये जो है ना उससे 5 रुपए एक्स्ट्रा पे करता है एक साल में, तो अगर एक साल में 5 रुपए एक्स्ट्रा पे करता है तो 110 रुपए को पे करने के लिए उसको कितने साल लगेंगे, 22 साल, तब तो ये 110 का गैप कवर होगा ना, तो आंसर कितना बनेगा, 22 ईयर्स। बेसिक से तो मैं पूरा वही लिखना पड़ता, पी प्लस पी इंटू आर अमाउंट इक्वल करते ना उसमें, तो पूरा वो लिखना पड़ता, और वो सारे सॉल्यूशन जो है ना वो बुक्स वगैरह में दे ही रखे हैं, अगर किसी को वो वाला फॉलो करना होगा तो बुक्स में से पढ़ लेना, फिर यहाँ पढ़ने का क्या फायदा है, और उसके लिए आपको 8-7 लाइनें लिखनी पड़ेंगी, यहाँ पे आपका आंसर एक लाइन में आ रहा है, समझ रहे हो इस बात को। चलो एक और अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, हाँ जी, तो आज का आखिरी सवाल, तो कौन बनेगा आज के सिंपल इंटरेस्ट का विजेता, जो इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले देगा, बनाओ सभी, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं सभी बनाओ फटाफट, देखो ये सब रेस है, कंपटीशन है, ये कंपटीशन तो हमें करना ही पड़ेगा सबके साथ, कौन सबसे पहले आंसर देगा। कोई भी अगर 2 फ्रेंड 3 फ्रेंड्स अगर बैठ के देख रहे हैं ना, तो ये समझ लेना कि जो आपके साथ में बैठा है वो आपका फ्रेंड नहीं है, वो क्या है, हमारा कॉम्पिटिटर है, क्योंकि उसको भी सरकारी नौकरी चाहिए और आपको भी सरकारी नौकरी चाहिए, तो यहाँ पे कोई दोस्त नहीं है, यहाँ पे कौन है, सभी कॉम्पिटिशन में है।
तो उसी कंपटीशन को देखते हुए निकालो आंसर। देखो क्वेश्चन क्या है, मिस्टर ए लैंड्स 40% ऑफ समय 15% पर एनम, कॉमा 50% ऑफ द रेस्ट समय 10% पर एनम एंड द रेस्ट एट 18% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट। व्हाट वुड बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द होल सम, अगर पूरे पे निकाला जाएगा तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा वो आपको बताना है। हाँ जी, क्वेश्चन वही 10 से 15 सेकंड में आ जाएगा अगर हमें पता है क्या करना है तब। अगर नहीं पता है तो फिर हम वही लगे रहेंगे P इंटू R इंटू T अपॉन 100 बनाने। चलिए देखते हैं, यहाँ पे अगर यहाँ पे मिस्टर ए ने लैंड किया 40% ऑफ सम, यहाँ पे मैं सम जो है मेरा प्रिंसिपल मान लेता हूँ कितना है, 100 रुपये मान लो या 100% मान लो, हम जानते हैं प्रिंसिपल 100% होता है, ठीक है। 100 में से 40%, 100 का 40% 40 होता है, और उस 40 के ऊपर कितना रेट लगाना है 15%, तो 40 का 15% कितना आएगा 6, 40 का 15% कितना आएगा 6। अब कह रहा है 50% ऑफ द रेस्ट सम, अब देखो 40 तो हमारा यूज हो गया है तो बचा कितना 60, 60 का 50% लेना है, 60 का 50% होता है 30, उस 30 के ऊपर रेट कितना लगाना है 10%, तो वहां से आएगा हमारे पास 3 एंड द रेस्ट। अब बचा कितना, 40 वहां पे यूज हो गया, 30 यहाँ पे यूज हो गया, 70 यूज हो चुका है तो बचा हमारे पास 30 है, 30 का 18%, 18 3 54 तो 5.4 यहाँ से आ गया, तो 6 और 3 9 और 5 14.4% हमारा आंसर। हाँ जी बताइए इस बात को समझ पाए, सिर्फ इतना ही काम आपको क्वेश्चन में करना था। अरे पूरा लिख के समझा दें क्या? चलिए देखो पूरा सिनेरियो आपको समझाते हैं। मैंने यहाँ पे सम कितना अज्यूम किया, 100 रुपीज लिया। अब देखो यहाँ पे पहला सीन क्या है, मिस्टर एलेंस 40%, 100 का 40% तो आप जानते हो ना 40 होगा, इस 40 के ऊपर रेट कितना मिलना है 15%, तो 40 का मैंने 15% निकाला, तो 40 का 15% हमने निकाला तो हमारे पास कितना आया 6, 40 का 15% निकाल लिया कितना आ गया 6 आ गया हमारे पास, तो ये पहले वाला 6 आ गया। अब देखो 100 में से अगर 40 यूज हो गया है, 100 में से अगर 40 यूज हो चुका है तो अब आपके पास बचा कितना है 60, 100 में से 40 सम यूज हो गया तो सम कितना बचा 60। अब वो कह रहा है 50% ऑफ द रेस्ट सम, अब मतलब इसका सिर्फ 50% आपने लेना है, तो 60 का जब आप 50% करोगे तो वो कितना होता है 30, 60 का 50% कितना होता है 30, इसके ऊपर रेट कितना लगाना है 10%, तो 30 के ऊपर 10% लगाएंगे तो यहां से मुझे कितना मिलेगा 3, तो 40 यूज हो गया और 30 यूज हो गया तो 70 हमारा यूज हो चुका है, तो 70 यूज हो चुका है तो रेस्ट बचा कितना है 30 ही बचा है और उसके ऊपर रेट कितना लगाना है 18%, तो हमें यहां से मिलेगा 5.4, तो सभी को ऐड कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 14.4। हाँ जी तो बताइए बात समझ में आई, सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं होती, एग्जाम में कुछ चीजें आपको अपने मन में भी दिल में भी बनानी पड़ेंगी, दिल में थोड़ी सी जगह दो मैथ को, थोड़ी सी नहीं ज्यादा जगह दो, जो इधर उधर बहुत सारे बंदे बैठे हुए ना दिल में उनको थोड़ा थोड़ा साइड पे सरकाओ, उनको सरकाओ मैथ को आने दो, तब जाके कहीं एग्जाम क्लियर होगा, सरकारी नौकरी ऐसे नहीं मिलेगी। तो देखो यहाँ पे क्या था, 100 रुपीज सम मान लिया, 40% कितना हुआ 40, 40 का 15% निकाल लेंगे 6 आ जाएगा, 100 में से 40 यूज हो गया तो बचा हमारे पास 60, अब वो 50% लेना था, 60 का 50% होता है 30, 30 के ऊपर रेट कितना लगाना है 10%, तो 3 आ गया, अब 40 और 30 70 यूज हो गया बचा हमारे पास 30, 30 के ऊपर 18% लगाया 5.4 वहां से, तो टोटल सम के ऊपर कितना बनेगा 14.4। हाँ जी समझ रहे हो इन बातों को? अरे देखो चैप्टर चाहे अच्छा लगे ना लगे, चाहे इंटरेस्टिंग लग रहा हो चाहे बोरिंग लग रहा हो, पढ़ना पड़ेगा आपको, सिंपल इंटरेस्ट भी पढ़ना पड़ेगा, जब सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा ना फिर हम इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, टाइम एंड वर्क हमारा, ठीक है। अभी सिंपल इंटरेस्ट की एक और, अभी ये वाले क्वेश्चन क्लास एक और लगेगी, उसके बाद फिर एक इंस्टॉलमेंट क्लास लगेगी और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका टाइम एंड वर्क, ठीक है।
चलो फिर आज के लिए इतना ही। अब आज के मुख्य समाचार हमारे खत्म हो गए, अब आपको नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय।